अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर जो नैब का आ रहा है अभी, टेस्ट जो एपीएससी के थ्रू अनाउंस हुआ है। तो इसके जो पुराना टेस्ट था वो मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा रहे ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वर्चुअल एजुकेशन 2 के नाम से ये मेरा चैनल है और मैं आप सबका मशकूर रहूँगा, आप सब मुझे सपोर्ट करें। अच्छा, अब वीडियो पे आते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये पुराना पेपर है, 2009 में इसका टेस्ट हुआ था और असिस्टेंट डायरेक्टर का था। तो ये कुछ बीच में आ रहे थे जो कंटेंट है, तो इस वजह से मैंने कहीं जहाँ जहाँ पे मैंने वो था हाइट करना था तो वो इस पीडीएफ के थ्रू मैंने उसको हाइट किया हुआ है। अच्छा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पहला जो एमसीक्यूज़ है और जिस येलो जो है ये इसके आंसर्स है, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसके एंड पे भी इसके आंसर्स दिए हुए हैं लेकिन मैंने सारे येलो जो मुझे ठीक लगते थे और जो मैंने नीचे से भी देखे हैं तो उसको मैंने येलो किए हुए। अच्छा, द प्रेसिडेंट पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद डैश इज़ कम्पिटेंट टू मेक एनी ऑर्डर फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग एनी डिफिकल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ नैब ऑर्डिनेंस। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के थ्रू जो है ना वो जो भी अगर डिफ़िकल्टीज आती होगी तो उसके लिए कोई भी ऑर्डर जो है ना वो दे सकता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड, नैब ऑर्डिनेंस शेल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड शेल बी डीम टू हैव इनटू टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 1 जनवरी 1985। फिर है जी, नैब ऑर्डिनेंस वाज पास्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन 16 नवंबर 1999 को पास हुआ था। नैब का जो ऑर्डिनेंस थे है 1999, वो प्रोमलगेट हुआ था मुशर्रफ के दौर में, बाय परवेज मुशर्रफ। सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसकी। द चेयरमैन नैब मे रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो भी चेयरमैन होगा वो रिज़ाइन करने के लिए एक रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा जो कि प्रेसिडेंट के नाम होगा। इसके अलावा, एज एंड व्हेन चेयरमैन नैब इज एब्सेंट आर अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, डिप्टी चेयरमैन नैब विल एक्ट एज ए चेयरमैन नैब। ठीक है। सेवन नंबर है, हु अपॉइंट्स प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो वो चेयरमैन नैब ही करता है, जितने भी प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो चेयरमैन नैब ही सेलेक्ट करता है। उसके अलावा फिर है जी, हु गिव, एट नंबर है, हु गिव एडवाइस टू चेयरमैन नैब सच अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म सच ऑर्डर ड्यूटीज अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल करेक्टर्स एज मे रिफर्ड और असाइन टू हिम बाय द चेयरमैन नैब एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स एस्टेब्लिश अंडर दिस ऑर्डिनेंस एंड ऑल अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इसका सही आंसर है। डैश नाइन नंबर है, डैश नाइन, इन कंसल्टेशन विद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन नैब अपॉइंटेड स्पेशल प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक एरियाज। ये प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का हक कर सकता है। टेन नंबर है, हेडक्वार्टर जो है वो नैब का वो इस्लामाबाद में है, इसका ई नंबर है। एलेवन नंबर है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी वाज इस्टेब्लिश इन ऑन सॉरी 16 नवंबर 1999। 1999 में सब ये जो है ना सारा कुछ तकरीबन हुआ था, जब नवाज शरीफ का जो है ना वो हुकूमत ख़त्म करके और फिर मुशर्रफ आया था। द चेयरमैन इज़ द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सर्व्स टू फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर। 13 नंबर है, द प्रोसिक्यूटर जनरल इज़ द हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड सर्व फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स। बी नंबर इसका ठीक है। हु मे इम्पोज अदर कंडीशन फॉर द रिलीज फ्रॉम कस्टम कस्टडी और डिटेंशन, चेयरमैन नैब जो है ना वो कंडीशन इम्पोज कर सकता है।
द अमाउंट डिपॉजिटेड बाई द एक्यूज्ड विद द नैब शैल बी ट्रांसफर्ड टू द फेडरल गवर्नमेंट आर एज द केस मे बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द कंसर्न बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ सच डिपॉजिट। ठीक है, कोई भी जो है ना नैब के साथ डिपॉजिट करता है तो उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है वो या फिर जिसके साथ आता है वो उसने वहाँ पे उसको विद इन अ मंथ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, फिर है जी अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और द टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू। इसमें ए नंबर ओ राइट आंसर है, सी नहीं है, सी मुझसे गलती से येलो हुआ था, लेकिन ए इज़ द राइट आंसर। 14 ईयर्स और विद द फाइन और विद बोथ। ठीक है, एनी पर्सन गिविंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन और एब्सेंटिंग और असिस्टिंग और एडिंग अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रिसीविंग और होल्डिंग एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन और एक्वायर्ड बाय अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थ्रू करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और बीइंग अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट प्रॉपर्टी आर गेन ऑब्टेन थ्रू करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस शैल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन and shall be liable to the same or the lesser punishment that may be awarded to the holder of a public office as they may deem fit by the court NAB. NAB का जो court है वो जो उसको ठीक लगेगा वो देगा। अच्छा, where a person found guilty of an offence is sentenced to pay a fine irrespective of whatever whether or not a sentence of imprisonment imposed, the amount of the fine shall is in no case be less than a gain derived by the accused or any relative associate which may be set off against the forfeited a number hai forfeited or frozen assets and property। मतलब ये कि जो उसने गेन लिया है अपने इस अनलॉफुल एक्ट की वजह से या किसी भी ऑफेंस की वजह से, तो जो जितना उनका गेन हुआ है वो उतना ही कम से कम उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं अमाउंट। अच्छा, 19 नंबर है, डैश इज ट्राइंग टू अ पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस स्पेशलाइज स्पेसिफाइड अंडर दिस ऑर्डिनेंस मे एंड टाइम इन दियर अफेयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज हैज़ कमिटेड अ सच एन ऑफेंस ऑर्डरिंग द फ्री ऑर्डर द फ्रीजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल आर फॉर्ट ऑफ दियर एफ therefore whether in his possession or in the possession of any relative person on his behalf। तो इसमें क्या है, both A and B, court NAB और chairman NAB, if the property is ordered to frozen under subsection A in debt or other movable property the freezing may be made by seizure, by appointment of receiver, by prohibiting the delivery of such property to the accused or anyone on his behalf। ये तीनों है, D is the right answer। जी 21 है, if the property ordered to be frozen is immovable, the frozen shall in case of land paying revenue be made through the collector of the district in which the land is situated and in all other cases in by taking possession, by appointing the appointment of the receiver, by prohibiting the payment of rent or delivery or payment to the accused any other person on his behalf, या फिर ये तीनों ऊपर के, तो तीनों हैं, इसका आंसर डी है जो येलो है। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी फ्रोजन कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक आर इज अ फेरिशबल नेचर डैश में इफ इट डीम्स प्रॉपर एंड एक्सपीडियंट ऑर्डर द इमीजिएट सेल देयर अप एंड प्रोसीड अप सेल मे बी डिपॉजिटेड विद चेयरमैन नैब आर द कोर्ट आर एज इधर मे डायरेक्ट एज अप्रोप्रिएट। तो दोनों कोर्ट भी और चेयरमैन नैब भी दोनों होंगे इसमें। अच्छा, व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चन आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द नैब
आर एनी अदर एजेंसी हु इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। तो इसकी जो सज़ा है वो 5 साल या उससे कम सज़ा है, जेल। और व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ गिविंग फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जैसे नवाज शरीफ ने किया था, ड्यूरिंग इंक्वायरी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस बाई द नैब और एनी एजेंसी, तो उस केस में भी 5 या उससे कम जो है ना सज़ा है। व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, तो 14 साल या उससे कम। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान। 27 UNO's ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम एसोसिएटेड विद विच कंट्री, सूडान के साथ ये एसोसिएटेड है। 28 हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबल प्राइज, CV रमन, मेरे ख्याल से इंडिया से था। अच्छा 29 है मस्जिद वजीर खान इज़ लोकेटेड इन लाहौर। 30 है पाकिस्तान वर्ल्ड कप विन, पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये गलत है, ये किसी अंधे को भी पता होगा कि 1992 ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये मुझसे शायद गलती हुई होगी जल्दी में, लेकिन 1992 है ए। नेम द किंग हु फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड, ज़हीरुद्दीन बाबर इसका आंसर है 31 का। पीरपुर रिपोर्ट वॉज पब्लिश ऑन 1938, ए नंबर आंसर है। डेविस कप एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स स्लैश स्पोर्ट, ये कहते हैं टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। द 34 द फेमस बुक जिना ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय स्टैनले वुल्फर्ट। 935 है द फेमस बुक इज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, राइस। माउंट ब्लैंक माउंटेन इज प्रेजेंट इन फ्रांस, 37 था ये। आईफल टावर इज़ लोकेटेड इन फ्रांस, पेरिस में है ये 38। 39 है नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ किंग ऑफ फ्रांस। 40 है जी इन विच ईयर डिसाइसिव बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा ताहिर वाज पार्ट, तो ये 712 ए आंसर है इसका। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन सी इज़ मारियाना ट्रेंच, 41 का आंसर ए है। फेयर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड ए एंड सी। ऑल्टोफोबिया एक्रोफोबिया, तो इसका डी आंसर है। 43 है द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश बाय चौधरी रहमत अली इन 1933, डी आंसर है। 44 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो पहली असम्बली जो है उसके प्रेसिडेंट थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जना थे, सी इज़ द राइट आंसर। 45 है जी नेम द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द यूएन कांग्रेस इज़ नैन्सी फेलोसी, ये अमेरिकन थी और डेमोक्रेटिक है और ये जो है ना अभी भी है मेरे ख्याल से। 46 है इफ विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द विच ऑफ द लार्जेस्ट विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द USA, अलास्का जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है। 47 जी है हु वाज़ द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली, तो पैमीदा मिर्ज़ा थी पीपल्स पार्टी के दौर में। 48 नेम द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन द ऑन दिसंबर 14, 1911 वाज रोनाल्ड अम्यूंडसन जी। 49 है जी रोनाल्ड अम्यूंडसन वाज बिलोंग टू नॉर्वे, और उसके बाद है जी 50 है विच वेन ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज यूज्ड एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मस्टर्ड गैस था। 51 what was the immediate cause of the outbreak of the first world war, the assassination of Archduke Francis Ferdinand. अच्छा
1952, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री, तो ये है जी स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद आता है जी 53, विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हिमालय है जी, हिमालय में है जी K2 जो लॉन्ग, ये तो लॉन्गेस्ट है, सॉरी मुझे लगा हाईएस्ट, तो लॉन्गेस्ट हिमालयाज है। 54, विच रिवर अक्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओर ऑफ आयरन, 55 का है हीमटीट, बी आंसर है। 56 है जी ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ जमुना रिवर, अच्छा सॉरी यार अगले पेज पे चला गया। अच्छा 57 है बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डनूब। 58 है द रिवर जेलम, चनाब, रावी, बीस एंड सुतलेज आर द ट्रिब्यून्स ऑफ विच रिवर, इंडस रिवर। 59 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका, टिग्रिस, अच्छा जी डी आंसर है इसका। 60 है जी बहामन इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश, और जी महान एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री, टू ए आंसर है ईरान, ये 61 का है। 62, हु इज़ द हाइएस्ट रन मेकर इन लिमिटेड ओवर मैचेस टिल 2012, तो ऑब्वियसली टेंडुलकर है, डी आंसर है इसका। 63 है फॉर हाउ मेनी टाइम डाई पाकिस्तान, सॉरी ये डेड लिखा हुआ है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स डेड पाकिस्तान विन कर हॉकी चैम्पियन, तो ये 3 टाइम है लेकिन मुझे 4 टाइम लगता है, तो मैं जो है ना इसके साथ इत्तेफाक नहीं करूँगा और मैं 4 टाइम पे जाऊँगा सी। 64 है जी जॉन एफ कैनेडी इज़ द नेम ऑफ एयरपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। 65 है जी टास इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया, बी। 66 है द फॉरेन फ्रेज डो डी न्यू डी नोवो मीन्स न्यू। 67 है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ बेस्ड इन जिनीवा। 68 है स्कॉटलैंड यार्ड हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन द सिटी, लंदन में है ए। 69 है जी वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 27 सितंबर, बी इज़ द राइट आंसर। 70 है राइट टू वोट इन इलेक्शन आल्सो टर्म्ड एज फ्रेंचाइज, और 71 है जी द हिस्टोरिक गार्डन शालीमार वॉज बिल्ड बाई शाहजहान इन 1642, लाहौर में है आई गेस। सो 72 है जी नमीबिया इज़ द न्यू नेम ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। 73 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेक्रेट बुक ऑफ हिंदुज़म, वेदास, उपनिषद्स, रामायण, तो रामायण भी है और वेदास भी है, ये 30 बी का मुझे नहीं पता, तो तीनों फिर होंगे, जब दो ही राइट आंसर है तो फिर तीसरा भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ देम हो गई। 74 है जी ओटावा कन्वेंशन 1997 इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ए। 75 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट स्टार्टेड मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूजिंग सिंबल फॉर एलिमेंट्स, जॉन डाल्टन, डाल्टन का वो भी है एक, वो आता था एक जब हम लोग मैट्रिक में थे सिंबल्स का एक चार्ट सा होता था, वो डाल्टन ने शुरू किया था। 76 विच यूएन एजेंसी हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन फेरिस, यूनेस्को। 77 हाउ मेनी जजेज टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाई द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असम्बली फॉर द टर्म ऑफ 9 years, 15। 78 है जी कटिंग एज इज़ द आर्ट और कटिंग एज इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जावेद मियांदाद, बी। 79 विन डिड पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट फेस सैटेलाइट बदर 1, तो ये जी है जुलाई 16, 1990 में, बी। 80 है जी हु इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड फ्रॉम द रैंकर्स टॉप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कोफी अन्नान, सी।
और ये काफ़ी अरसे तक रहे थे और काफ़ी पॉपुलर थे। 81 जी, हु द ओल्डेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लीग ऑफ नेशन, वेयर इट वॉज एट क्वार्टर्स सिचुएटेड, जिनेवा में है। 82 है जी, हु इन्वेंटेड द स्टीम लोकोमोटिव, तो ये स्टेफसन थे, स्टेफनसन थे। 83, द लार्जेस्ट इम्पोर्ट्स आर मेड बाई पाकिस्तान फ्रॉम अमेरिका। और 84 है जी, विच है इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, तो बहावलपुर है ये बी। 85, द सिदाई कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी एट सिदाई, सिदनाई, सॉरी सिदनाई है ये बी। 86 है, द चश्मा न्यूक्लियर टू पावर प्लांट वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ चाइना, डी। और 87 है जी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रेट इन पाकिस्तान इज़ इन इस्लामाबाद, बिल्कुल जगह कम है और लोग ज़्यादा है। तो 88 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ माइटी रिवर्स, तो ये है जी बी, नाइजीरिया। 89 है जी, डीपेस्ट प्लेस इन द ओशियन इज़ कॉल्ड सोंदा ट्रेंच, ये सेकंड बारी आ रहा है इसमें। 90 है जी, द कैबिनेट मिशन अनाउंस देयर प्लान ऑन 16 मई 1946, डी। लेक वोस्तोक इज अ सब ग्लेशियर लेक से लोकेटेड इन द अंटार्कटिका, डी। ये 91 का है। 92 है जी, द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड इज लापास। और 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आईफल टावर है इन सब में से। और 94 है, बिग बेन अ ह्यूज क्लॉक वॉज इंस्टॉल अब एट ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1859 बी। 59 है, 95 है जी, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, तो ये आइसलैंड का है, सी। 96 है जी, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बिलोई मोर है, बिलोय मोर सी। वैसे मुझे ये स्विस कैनाल लगता है, लेकिन बिलोय मोर हो सकता है। फिर है जी 97, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी अबादन ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन ईरान, बी। द गतून लेक इज लोकेटेड एट इन विच कंट्री, ये है डी, पनामा। और पनामा के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाता है। 99 है जी, 7 अप्रैल इज़ द डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, सी। 100 है जी, क्लॉस मार्टिन स्क्वाब इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी। अच्छा, ये आंसर दिए हुए, तो ये मैं जो है ना इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर पॉज करके इसको लिख ले, लेकिन मैंने सब हाईलाइट किए हुए, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो गलत थे तो मैंने आपको बता दिया वीडियो में, तो उसको उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, और गुजारिश है सबसे कि इस वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को, और शेयर करे अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी दोस्तों का भी भला हो, और जो आने वाला टेस्ट है उसमें जो है ना बाकी सब के लिए जो है ना ये एक हेल्पफुल साबित हो। तो टेस्ट के लिए इतना कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, एंड आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने ऐप का टेस्ट है तो आपने ऐप का ऑर्डिनेंस पढ़ के जाए, और थोड़ा बहुत जो है ना जीके के क्वेश्चंस वगैरह हो जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो पढ़ के जाएँ, इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।